हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिलाई मशीन में आने वाली समस्या के बारे में बताऊंगी। कभी कभी हम देखते हैं कि सिलाई मशीन में निडल बार नीचे नहीं खिसक रही है, या मशीन के साथ साथ निडल बार ऊपर नीचे नहीं चल रहा है। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, हम व्हील को घुमा रहे हैं लेकिन निडल बार नहीं चल रही है। देखिए, इधर टेकअप लीवर भी चल रहा है लेकिन निडल बार नहीं चल रही। अगर हम निडल को इस तरह से छोड़ देंगे तो ये नीचे भी चली जाएगी, और अगर हम इस व्हील को घुमाएंगे तो ये निडल टूट जाएगी। ये सतल में जाके फंस गई है, और हम इसको जैसे ही हम इसको व्हील को घुमा देंगे यहाँ छोड़ के, तो ये निडल टूट जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपके ऐसी समस्या आ गई तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम इस फेस प्लेट को खोल देंगे। इसके लिए हम देखिए, ये यहाँ पे दो स्क्रू दे रखा है, एक यहाँ पे और एक नीचे। तो दोनों स्क्रू को हम पूरा बाहर नहीं निकालेंगे और थोड़ा सा हम लूज कर देंगे इसको। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसको हमें कैसे ठीक करना। ये देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू दे रखा है, वो जब लूज हो जाता है तब ये समस्या आती है। और अगर आपके ये चलते चलते ऐसी समस्या आ गई, तो देखिए ये निडल जैसे नीचे है, तो आपके चलते चलते आ गई तो ये निडल टूट जाएगी। तो आप इसको यहाँ पे एक स्क्रू दे रखा है, उसको आपको टाइट करना होता है, लेकिन टाइट किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब हम हैंड व्हील को हाथ से घुमाएंगे ताकि निडल बार स्क्रू नीचे ला सके। ये देखिए, ये निडल बार स्क्रू है, इसको नीचे लाना है आपको। तो आप हैंड व्हील को हाथ से घुमाना है इस तरह से। ध्यान रहे लीवर सीधा हो और ये मैक्सिमम नीचे ही रहना चाहिए, और ये जो लीवर है वो ये सीधा रहना चाहिए। ये थोड़ा सा भी इस तरह से नहीं झुका रहना चाहिए और इस तरह से भी झुका नहीं रहना चाहिए, एकदम ये सीधा रहना चाहिए इस तरह से। अब हम नीडल को मैक्सिमम नीचे की तरफ कर देंगे इस तरह। ये देखिए, और ध्यान रखिए ये आपका जो नीडल क्लैंप स्क्रू है वो भी एकदम सीधा रहना चाहिए। और अब आपको फुट भी ऊपर कर देना है। ये जो निडल क्लैंप स्क्रू, आप ध्यान रखें ये एकदम सीधा होना चाहिए, ना ही तो इस तरह से थोड़ा तिरछा रहे और ना ही उधर की तरफ तिरछा रहे, ये एकदम सीधा होना चाहिए ऐसे। अब हम निडल को चेक करेंगे कि निडल शटल के अंदर कितनी दिखाई दे रही है। मशीन को पहले ऊपर उठा देते हैं। ये देखिए, निडल इतनी ही अंदर दिखनी चाहिए। ये देखिए आपको वैसे दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, ये निडल इतनी ही नीचे दिखनी चाहिए पूरी। अगर यहां तक रहेगी तो ये निडल चलाते समय टूट जाएगी, इसलिए ये इतनी ही नीचे दिखनी चाहिए। फ्रेंड्स, टाइट करने से पहले आप एक बार और चेक कर लें, ये लीवर जो दिखाई दे रहा हो आपको, ये एकदम सीधा होना चाहिए, और निडल क्लैंप स्क्रू ये भी सीधा होना चाहिए। इस तरह से नहीं करें आप ऐसे ऐसे, नहीं तो ये इसकी सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी। आप इसको एकदम सीधा रखें और टाइट कर दें। आप इसको फुल टाइट करें, एकदम अच्छे से टाइट कर लें इसको। और अब हम चेक कर लेते हैं नीडल प्लेट लगाने से पहले कि नीडल कहीं नीचे शटल में टकरा तो नहीं रही है। ये देखिए, नीडल शटल में कहीं नहीं टकरा रही। ये देखिए, आप पहले हैंड व्हील हाथ से ही घुमाकर हैंड व्हील को चेक करें, नहीं तो एक डायरेक्ट मोटर नहीं चलाएं। अब हम इसको उल्टा भी घुमाकर चेक कर लेते हैं कि कभी कभार सीधे में तो नहीं टकराती, लेकिन उल्टी तरफ करते हैं जब यहाँ पर टकराने लग जाती है इसके ऊपर, तो वो भी आप पहले चेक कर लें। ये देखिए, उल्टी तरफ से भी ये कहीं नहीं टकरा रही है।
अब हम नीडल प्लेट लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी नीडल शटल पर टकराती है यहाँ पे, तो शटल एडजस्टमेंट करने का वीडियो मैंने बना रखा है, स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब हम फेस प्लेट को भी लगा देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। अब हम इसको चलाकर चेक कर लेते हैं कि जो हमने सेटिंग करी है वो प्रॉपर हो गई या नहीं हुई है। ये देखिए, इसकी सेटिंग प्रॉपर हो गई है फ्रेंड्स, और इसे आप घर पर ही खुद भी ठीक कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए आपको कभी मिस्त्री के पास नहीं जाना पड़ेगा, इससे आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स।